मुझे दोनों चीज दिखाइए, लाइव ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी, ठीक है? तो काफी इशू आ गए थे एक बार को, तो लगा बस आज तो हो गया, ठीक है? सो वी वोंट बी हैविंग अ मतलब पूरी लेंथ में नहीं चलेगी हमारी आज क्लास, थोड़ा सा छोटा रहने वाला है क्लास आज का, ठीक है? बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जहां पर हमारी क्लास थी वहां पर कुछ इशू हो गया, ठीक है? ओके 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 स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। एक बार सभी के सभी लोग बताएंगे भाई, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? कितने लोग बने हुए हमारे साथ एक बार बताइए भाई, सभी के सभी। क्या बात है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा अभी, ठीक है? क्योंकि आज कुछ इस तरीके से रहने वाला है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि स्मार्ट कोर्स में किस तरीके से अलग फील के साथ हम करते हैं काम, ठीक है? ओके तो इसको मिटाते हैं पहले तो, ठीक है? ओके तो ग्राफ्स की मैं अगर बात करूं तो मैं पहले ये बता देता हूं कि मैं कवर क्या क्या करूंगा, मैं कवर क्या क्या करूंगा, ठीक है? उधर से ही आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि क्या क्या चीजें होनी है, ठीक है? ठीक है, ओके चलिए देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा भाई, बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशंस, ठीक है? डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है? आप चार्ट बना लीजिएगा, आपको पता चलेगा भाई असलियत में हम कितनी सारी चीजें कवर करते हैं, ठीक है? सेकेंड वुड बी देन अवर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की बात करेंगे हम, ठीक है? टाइप्स ऑफ ग्राफ पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है, ठीक है? अगर हमारी वर्टिसेस में कुछ इशू नहीं, वर्टिसेस में कुछ चीज़ें हों, एजेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हों, मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा, वो सब हम आराम से जब हम डेफिनेशंस देखेंगे, ग्राफ्स पर आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एजेस भी हमारी बहुत सारी टाइप की हो सकती हैं, एजेस भी हमारी बहुत सारी टाइप की हो सकती हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे भाई कि स्पेशल ग्राफ्स कौन से हैं हमारे, ठीक है? ठीक है, यहां पर हमारा डिग्री वाला, कुछ लोग बोलेंगे सर डिग्री और वो सब कहां गया, वो सब हम यहीं पे कवर करेंगे, ठीक है? डिग्री वाली चीजें, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भाई कि हम अपने ग्राफ पे ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हैं, ग्राफ पे हम ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हैं, ठीक है? ग्राफ ऑपरेशंस, ठीक है? जैसे कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री तो देखा है, बट यूनियन, इंटरसेक्शन, एग्जॉर टाइप का कुछ लगाना है, ठीक है बड़ी? अगर आप लाइव ऐप के स्टूडेंट हो तो लाइव ऐप पे अटेंड कीजिए, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, ग्राफ ऑपरेशंस की बात करेंगे हम, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा हम आएंगे अपने मेन चीजों की तरफ, डिस्कस करना शुरू करेंगे हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाली चीजों पर, कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाली चीज होते हैं, ठीक है? पोस्ट दैट विल गो टू व्हाट, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म की बात करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है? उसके बाद देखो अभी में इतनी सारी चीजें, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, और भी चीजें आएंगी भाई, एग्जैक्टली क्या आएगा बताते हैं, अच्छे से बताएंगे भाई, ठीक है? उसके बाद आएगा हमारा कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बताता है भाई असलियत में कि किस तरीके से मेरा ग्राफ कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है? मेरे एज कनेक्टिविटी क्या हो सकती है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या हो सकती है, वो सब चीज़ें, ठीक है? और हम बात करेंगे दोनों के लिए, हमारे डायरेक्टेड भी, अनडायरेक्टेड ग्राफ भी, स्ट्रांगली कनेक्टेड जो हमारे होते हैं ग्राफ्स वो किस तरीके से होते हैं वो हम बात करेंगे कनेक्टिविटी में। फिर हम थोड़ा सा चले जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पार्ट की तरफ, ठीक है? एप्लीकेशन पार्ट की तरफ जाएंगे, एप्लीकेशन और कुछ एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है? जैसे कि
जैसे कि सबसे पहले तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, थोड़ा सा ठीक रहता है क्योंकि हमें वो कवर करना है ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे कि डायमीटर, रेडियस, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें कवर करेंगे हम। इसके बाद हम कवर करेंगे हमारे ट्रीज। ट्रीज के अंदर आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें हमारी, स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं बेसिकली, और ट्रीज के मल्टीपल डेफिनेशन देखेंगे, ट्रीज की मल्टीपल डेफिनेशंस देखेंगे, सब बताएंगे आराम से, ठीक है, अभी सब दिखाऊंगा। अच्छा, ट्रीज के बाद हम क्या करेंगे, ट्रीज के बाद हम आएंगे अपने किसके पास, वॉक्स, पाथ, ये जो डेफिनेशंस होती हैं इनको प्रॉपरली समझेंगे और इनके एप्लीकेशन देखेंगे, कौन से, यूलर एंड हैमिल्टेनियन, ठीक है, इनको देखेंगे हम। इज इट क्लियर सभी के सभी लोग, यहां तक चीजें क्लियर है क्या, जल्दी से बताएंगे भाई। प्रीवियस स्लाइड, एक बार प्रीवियस स्लाइड भी दिखा देते हैं भाई, अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा भाई सभी के सभी लोग। नितिन कुमार जी, यूट्यूब पे डेली नहीं होगा, ठीक है, जब हम बात करेंगे ट्रीज की तभी हम स्पैनिंग ट्री, फॉरेस्ट, वो सब बात करेंगे, ठीक है, एक बार ये जल्दी से देख लीजिए, ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं आगे का। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है यहां तक, किसी कोई शक? ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि ये बीच में आ रहा था, यहां तक क्लियर है, चलिए फिर वापस आते हैं। हमने कनेक्टिविटी की बात की थी लास्ट में, ठीक है, इसी में मैंने बताया था वर्टेक्स एज कनेक्टिविटी की बात करेंगे, कट सेट्स की बात करेंगे, जो वो सारी चीजें यहां पर आएगी फिर, ठीक है। देन एप्लीकेशन की बात करें तो हम ये कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि वेरी ऑफन पूछा तो नहीं जाता, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बट चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड देन विल मूव टू ट्रीज, ट्रीज में हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, स्पैनिंग ट्रीज की बात करेंगे, एंड देन दिस वन, ओके, आगे बात करते हैं हम, ठीक है। और क्या होगा हमारे यहां पे, हमारे पास यहां पे और क्या होगा, प्लेनैरिटी एंड रीजन्स, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्लेनैरिटी एंड रीजन्स की बात करेंगे हम, ठीक है। यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई स्मार्ट कोर्स में या फिर एक प्रॉपर पेड कोर्स में हम क्या चीजें करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, जैसे कि मैंने शॉर्ट में ही बोला था कि भाई ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा बहुत सारे स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स में कि यार सर हम तो सारे क्वेश्चन बना पा रहे हैं नियरली सारे, तो भाई इसमें क्या रहेगा, इसमें और भी बहुत कुछ अलग रहने वाला है, कुछ डीप में जाएंगे, अच्छे से चीजों को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा कलरिंग ऑफ ग्राफ, यहां तक क्लियर है सभी को? एक मिनट सर, प्रीवियस बड़ी दिखाया था, ऐसे लेट हो जाएगा। हाँ, सब आ रहा है, मीट पांचाल सब आ रहा है, बड़ी सबका सब करेंगे हम, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं, इसमें छोटा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको ऊपर लेके चलते हैं, लास्ट में मेरे पास आएगा यहां पर क्या, मैचिंग कवरिंग की बात करेंगे हम, और आपको बताऊंगा भाई रिलेशन क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। दीज आर बेसिकली एज सबसेट्स, ठीक है, देखेंगे हम अच्छे से कि जब हम मैचिंग और कवरिंग की बात करते हैं तो हम सबसेट ऑफ एजेस की बात कर रहे होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। एंड देन लास्ट वन, इंडिपेंडेंट सेट एंड डोमिनेशन सेट, तो ये सब बातें हम करने वाले हैं, ठीक है, थ्रू आउट आवर कोर्स। और ये क्या होता है, वर्टेक्स के सबसेट की बात करते हैं, इस टॉपिक में हम वर्टेक्स के सबसेट्स की बात करते हैं। इज इट क्लियर? अभी भी आपको लग रहा हो कि सर कुछ हमने छोड़ दिया, कोई टर्म ऐसी जो रह गई होगी, यू कैन लेट मी नो। देखो ये है पूरा का पूरा, बड़ी क्रैश कोर्स की बात नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है, अभी हमारा प्रॉपर हम पेड कोर्स की बात कर रहे हैं। नो, सामा जी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर कि कैसे करना है और क्या क्या चीजें पढ़नी है, आराम से चीजें हो जाती है, ठीक है।
यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? अब हम शुरू करें तो हमारी जो क्लास है आज की वो कटसिट्स की अगर मैं बात करूं तो वो यहां पर आ जाएगा। यहां पर कनेक्टिविटी की बात की थी हमने, कनेक्टिविटी की बात की थी, यहां पर आ जाएगा कटसिट्स वगैरह। ठीक है, तो देखो यहां तक सबको क्लियर होगा आराम से कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर एक लेआउट मैंने बना दिया है ऑलरेडी कि भाई क्या क्या चीजें रहेंगी, किस ऑर्डर में रहेंगी। ठीक है, अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी, अभी तक वैसे शुरू भी नहीं किया है। ठीक है, लेकिन एक आइडिया लगा होगा कि यार क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। सभी को क्लियर है? यस और नो? ओके, एवरेज जो रहता है आपका, मैं अगर बोलना चाहूं 6 to 8 marks एवरेज आपका डिस्क्रीट मार्क्स का रहता है। ठीक है, आई गेस यहां भी पावर इशू आ गया, एक मिनट। सॉरी गाइस, मुझे लग रहा है आज बहुत ज्यादा कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, जतिन जी कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा सभी। ठीक है, मेरे हिसाब से चला गया होगा सारा, सब चला गया है। ठीक है, तो आपने आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा वो सब चीज़ें। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके सामने बंद हो गया था सब। एक मिनट, आ जाएगा क्या? आ गया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया आ गया भाई। एक बार जल्दी से देख लो जिसको देखना था। ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे, जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, सो अभी आपके सामने हुआ पावर ग्लिच हमारा। ठीक है, तो अभी देखिए भाई, ये हम पढ़ेंगे, दोनों जगह देख सकते हो बड़ी, लेकिन बेटर इफ यूर पेज स्टूडेंट जस्ट वॉच इट ऑन योर लाइव ऐप, दैट्स बेटर। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं भाई। तो अगर मैं बात करूं ग्राफ्स की, सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूं, ग्राफ ने आप कहां कहां उसको फील करते होगे, कहां कहां पे आपने देखा होगा उसको एक्चुअली में। ठीक है, बचपन से कोई ग्राफ का एप्लीकेशन याद आ रहा है क्या आपको? बचपन से आपको ग्राफ का एप्लीकेशन याद आ रहा है क्या? मैं आपको ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन बता दूंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल, खुद के एग्जाम्पल से, कि भाई ग्राफ के क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी आपने सोचा है कि आपने फूड चेन पढ़ा होगा बचपन में, फूड चेन पढ़ा है, फूड वेब पढ़ा है, व्हाट वाज दैट? अभी मैं बात कर रहा हूं कि भाई नॉर्मली नहीं, अभी वो सब भूल जाइए, बहुत बढ़िया। मैप्स, मैप्स क्या बात है। ठीक है, तो इधर भी मैं लिख देता हूं, क्या हमारे रोड, रेल एंड एयरवेज सभी में ग्राफ्स का एप्लीकेशन होता है? यस और नो? सभी के सभी इस चीज को फील कर पा रहे हो? फूड चेन वेब आपने पढ़ा होगा बचपन में, छोटी सी क्लास में, फिफ्थ सिक्स क्लास में क्या होता था। और अगर मैं बोलना चाहूं, सो वी हैव द इशू, यू कैन सी राइट नाउ, लाइव आपको दिख रहा होगा भाई इशू, फिर से लाइट चली गई। रिया जी क्लास तो शुरू हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आते हैं भाई, आज वैसे चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, बट ठीक है, हम ठीक लेकर के आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स सी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, आपने फैमिली ट्री याद है आपको? आपको फैमिली ट्री याद है? फैमिली ट्री बनाते थे छोटी क्लास में,
इन्वर्टर से कनेक्टेड है तभी तो आपको दिख पा रहा है, ठीक है, बस बोर्ड की लाइट जा रही है तो ग्लिच आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो फैमिली ट्री याद है कुछ? तो मैं एक ही चीजें बता रहा हूं, एप्लीकेशन बता रहा हूं कि आप ये कहां कहां देख चुके होगे ऑलरेडी और आपको पता भी नहीं चला, आज से पहले पता भी नहीं चला होगा कि भाई अरे सर फूड चेन वेब में भी था क्या। अच्छा ये तो पता होगा आपको, नॉर्मल एग्जाम्पल फैमिली ट्री में जब आपने ड्रॉ किया होगा, क्रिकेट में, एकदम क्रिकेट में, ठीक है क्रिकेट में अगर मैं बात करना चाहूं, ठीक है। और क्या आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं? मैं एक पर्सनल एग्जाम्पल अगर लेना चाहूंगा, अगर आप में से कुछ लोगों ने इंटरव्यूज दिए होंगे डिफेंस के इंटरव्यूज दिए होंगे, तो वहां पर ना एक टेस्ट होता है, ऑब्स्टेकल रेस, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल बोलते हैं। तो वहां पर बहुत सारे आपके ऑब्स्टेकल होते हैं, करीबन 10 ऑब्स्टेकल होते हैं, ऑब्स्टेकल 1, ऑब्स्टेकल 2, ऑब्स्टेकल 3, ऑब्स्टेकल 4, एक ग्राउंड में इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और हर एक ऑब्स्टेकल को करने के लिए ना आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, हर एक ऑब्स्टेकल को करने के लिए कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल को करने के लिए पॉइंट्स मिलेंगे। और आपको ये 10 नियरली 10 ऑब्स्टेकल्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो हर स्टूडेंट अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है कि यार मेरे पास मैं कौन सा ऑब्स्टेकल पहले करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद मुझे कौन से ऑब्स्टेकल के पास जाना चाहिए, कौन से ऑब्स्टेकल्स के बीच में डिस्टेंस कम है, मुझे जाने में कम टाइम लगेगा और वो मैं कर भी लूंगा। तो इस तरीके से ये एक पर्सनल एग्जाम्पल है। अगर आप में से किसी ने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, कहने का मतलब है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल अगर आपने कभी अटेंड किया हो SSBs के अंदर डिफेंस के इंटरव्यूज में, ठीक है, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलना चाहूं डिफेंस इंटरव्यू में एक छोटा सा एग्जाम्पल इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का, ये मैंने अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताया, एकदम फ्लो नहीं बन पा रहा, आई कैन गेस बड़ी, बट अभी बस थोड़ा सा मेजर इशू है, उसके लिए माफी चाहेंगे हम, ठीक है। डिफेंस इंटरव्यूज में जो मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल, एक सिंपल सा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का, जिसमें हमारे पास 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कहीं पे आपको टार्जन स्विंग लेना होता है, कहीं पे आपको टाइगर लीप, ठीक है, कमांडो वॉक, इस तरीके से बहुत सारे हमारे ऑब्स्टेकल होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। टेक्निकल तो मैं गया ही नहीं हूँ। अगर मैं टेक्निकल जाऊँ तो क्या क्या आएगा भाई, टेक्निकल जाऊँ तो मैं क्या क्या आएगा आपके पास? सबसे पहले तो प्रेसिडेंस ग्राफ, जो आप अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते होगे थोड़ा बहुत, ठीक है, प्रेसिडेंस ग्राफ सुना है, ठीक है, डेडलॉक वगैरह सॉल्व करने के लिए साइकिल जब आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंस ग्राफ्स में यूज होगा, ठीक है, और मैं बात करूं कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको ये आ सकता है, ठीक है, तो सिंपली OS, DBMS, ठीक है, आपका कंपाइलर्स और इसी तरीके से मल्टीपल सब्जेक्ट में आपको इसका, बिल्कुल सोशल मीडिया, अभी तो मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ आ रहा हूं, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट एग्जांपल है फेसबुक, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा फेसबुक, किस तरीके से देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लिख देता हूं मैं लास्ट हमारा, ठीक है, फिर खत्म करते हैं और फिर हम आते हैं अपनी चीजों पे। क्या बोला मैंने? फेसबुक में किस तरीके से काम होता है भाई, जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी यहां पे दोनों तरफ से मैं किसी को लेता हूं, ठीक है, एक मैं लेता हूं ऋतिक को, ठीक है, ठीक है, ऋतिक के कुछ फ्रेंड्स होंगे, ऑब्वियस ही बात है ऋतिक के कुछ फ्रेंड्स होंगे बहुत सारे, एंड देन देयर विल बी समवन लाइक सुमन, ठीक है, सुमन के खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इंडिविजुअल पर्सन एक नोड बन जाता है, और अगर वो एक दूसरे को जानते हैं, अगर वो फ्रेंड्स हैं, तो वो एक एज बन जाता है। और इस तरीके से हमारा पूरा जो फेसबुक बना हुआ है वो हमारे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। इज इट क्लियर सभी के सभी? सभी को क्लियर है? बिल्कुल। लैन वैन टॉपोलॉजीज में, कंप्यूटर नेटवर्क्स की मैं बात करूं तो टॉपोलॉजीज में हमारा ग्राफ काम आता है। तो इस तरीके से न्यूमरस आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? यस और नो? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस अवेलेबल है। अब बारी आती है उन चीजों की जिसका आप वेट कर रहे होगे बहुत देर से कि सर अब बताओ ना सर, बहुत हो गया सर, चीजों में चलते हैं ना सर, डिस्कस करते हैं ना सर, ग्राफ्स क्या होते हैं वो भी बता दो सर, ठीक है। तो हम आते हैं ग्राफ्स की डेफिनेशन पे। व्हाट आर ग्राफ्स, ठीक है, तो कौन बताएगा भाई? बहुत बढ़िया। तो ग्राफ्स क्या होते हैं हमारे? इट इज गिवन बाय
इट इज गिवन बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस ठीक है। आपने बहुत बार इसको इस तरीके से देखा होगा, कैसे G इज इक्वल टू हम ऐसे लिखते होंगे, यस सर नो, यस सर नो, इस तरीके से आपने देखा होगा। ग्राफ क्या होता है, देखो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे आपको ये बात याद होगी, ये बात याद होगी कि उसके अंदर हमारे पास कुछ तो वर्टेक्स होते हैं, कुछ वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, हमारे पॉइंट होते हैं बेसिकली, और उनको कनेक्ट करने वाली कुछ लाइंस जिन्हें हम एज बोलते हैं, यस और नो, उनको कनेक्ट करने वाली लाइंस जिसे हम एज बोलते हैं, इतनी सी चीज है, ठीक है। हमारे सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं और सेट ऑफ एजेस होते हैं, इन्हीं के ऑर्डर पेयर को मैं ग्राफ बोल देता हूं। कोई भी ग्राफ अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो मुझे ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन सी वर्टिसेस हैं और कौन कौन सी एजेस हैं हमारे पास। इज इट क्लियर? एजेस डिटरमाइंड व्हाट आर द वर्टिसेस व्हिच आर कनेक्टेड। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है यहां पर? आराम से, यस और नो, हम आराम से चलेंगे क्योंकि फ्लो बनाना जरूरी है जिस तरीके से अभी इश्यूज हुए हैं, ठीक है। एवरीवन, सभी को क्लियर होगा आई गेस, किसी को कोई शक, कोई इशू, कोई डाउट? ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है। अच्छा, अब मैं बात करूं किस तरीके से लिखेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम आराम से, कि अगर मैं बोलूं मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, दिस इज ए बी सी डी ई, लेट्स कनेक्ट देम, ठीक है। सपोज दिस इज द स्मॉलर ग्राफ, कोई एक सिंपल सा ऐसा हमारा ग्राफ है, तो अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर मेरा सेट ऑफ वर्टिसेस क्या होगा, एक्चुअली में मेरा सेट ऑफ वर्टिसेस क्या होगा, खुद से देखिए, वी विल बी रिटन लाइक व्हाट, वी आर हैविंग ए बी सी डी एंड ई, यस और नो, ठीक है। अच्छा, और मेरा सेट ऑफ एजेस क्या होगा, सेट ऑफ एजेस क्या होगा, अभी सिंपली बस मैं अभी डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड किसी चीज के चक्कर में नहीं पड़ना, जैसा लिखा है बस उसके बारे में बात करेंगे, तो क्या क्या होगा हमारा भाई, हमारा होगा ए बी, और क्या है भाई हमारी कनेक्शन, ए सी बी सी, ए सी बी सी, व्हाट एल्स वी हैव, सी डी एंड वी हैव डी ई, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर है आपको, अच्छे से चीजें समझ में आई यहां तक, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमारा ग्राफ होता क्या है बेसिकली, ठीक है, किस तरीके से मेरे वर्टेक्स मुझे पता चलते हैं, किस तरीके से मेरे पास एजेस होती हैं, ठीक है। एजेस बताते हैं बेसिकली कौन कौन से वर्टेसेस हमारे कनेक्टेड है, सिंपल, वेरी सिंपल, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस की, ठीक है, ये हमारा ग्राफ की डेफिनेशन तो हो गई, बट और क्या क्या चीजें हैं, और क्या क्या चीजें हैं, हम उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए, एजेस से शुरू करेंगे, हमारी जो एजेस होती हैं, हमारे पास जो एजेस होती हैं वो मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है, ठीक है, हमारी जो एजेस होती हैं वो मल्टीपल टाइप की हो सकती है, क्या क्या हो सकती है एक बार बात करते हैं हम, सिंपल, सिंपल की बात नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है, ओके, अनडायरेक्टेड एज हो सकती है, डायरेक्टेड एज हो सकती है, ठीक है, और अगर मैं बात करना चाहूं कुछ अलग तरीके से, ठीक है, तो लूप हो सकती है मेरे पास, सेल्फ लूप भी बोलते हैं इन शॉर्ट, सेल्फ लूप, ठीक है, और क्या हो सकती है मेरे पास, पैरेलल एज, या फिर मल्टी एज जिसे बोलते हैं हम, मल्टी एज, और लास्ट में वेटेड एज, ठीक है। इसका आपने थोड़ा बहुत ट्रेलर ऑलरेडी क्रैश कोर्स में देखा होगा, थोड़ा सा ट्रेलर आपने इन चीजों का क्रैश कोर्स में देखा होगा, वेटेड एज, ठीक है। अब इंडिविजुअली हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये कैसे हमारे ग्राफ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे ये हमारे ग्राफ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारी हम एजेस की बात करते हैं, ठीक है, ओके। सो व्हाट आर माय अनडायरेक्टेड एजेस, डायरेक्टेड एजेस, व्हाट इज अ लूप, व्हाट इज अ पैरेलल एज, व्हाट इज अ वेटेड एज,
इसकी अगर मैं बात करूं सिंपल सी, ठीक है, तो देखो अनडायरेक्टेड एज होगी अगर मैं बोलूं सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम करेंगे, ए बी सी एंड डी, ठीक है, दिस इज डी, ये मेरा एक ग्राफ है, ये मेरा एक सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं इसकी एजेस को एक अनऑर्डर्ड पेयर से डिटरमाइन कर पा रहा हूं, अनऑर्डर्ड पेयर से, अनऑर्डर्ड पेयर मैं कहां यूज करता हूं, ठीक है, मेरे लिए कहां पर ऐसा कोई कलेक्शन है क्या, ऐसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, किससे हम डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली सेट से डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पर जब भी कोई एज होगी, जैसे कि मैं बोलू इसको अगर मैं एज वन बोल दू, इसको एज टू बोल दू एक तरीके से, ठीक है, बताता हूं कि एज कैसे लिखेंगे। तो इवन में कैसे लिखूंगा, इवन लिखूंगा मैं इस तरीके से कि ए और बी के बीच में, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा बड़ी, आज के लिए थोड़ा सा स्लो चलते हैं, ठीक है, ओके। लूप के बाद क्या लिखा है, लूप, सेल्फ लूप, लूप के बाद ये सेल्फ लूप लिखा है और यहां पे पैरेलल एज लिखा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत सारे आज इश्यूज हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि एकदम से हम भागे और एकदम से सब गायब हो जाए, लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा आराम से चलते हैं अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए बेस बनना जरूरी है, बेस जैसे ही बनेगा ना फिर हम दौड़ना शुरू करेंगे, ठीक है, ओके। तो E2 क्या बनेगा हमारा, ऐसे ही यहां पर देखो E2 B और D के बीच में है एज, ठीक है, इस तरीके से E3 क्या है, C और D के बीच में है, E4 क्या है, A और C के बीच में है, यस और नो एवरीवन, यस और नो, सिंपल सिंपल। चलिए अगर मैं ऐसे ही बना देता, इसके अंदर कुछ डिटरमाइन कर देता डायरेक्शन ऑफ एजेस, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ एजेस डिटरमाइन कर देता, ठीक है, जैसे कि ये लगा लीजिए, ठीक है, ये मेरा हो गया एक अलग ग्राफ, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं अभी, सिर्फ एजेस की बात कर रहा हूं ताकि हम आराम से फिर डिस्कस कर पाए इनके बेसिस पे कौन से मेरे ग्राफ्स आते हैं उनके बारे में हम ताकि डिस्कस कर सके, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, देखो यहां पर आप देखिए, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि कौन सी वर्टिसेस के बीच में है एज और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि अब ऑर्डर मेरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स पे जा रहा है, अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जब भी हमें ऑर्डर बताना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, जब भी ऑर्डर मैटर नहीं करता हम सेट का यूज करते हैं, सेट का यूज करते हैं, यस और नो, ठीक है, ओके। तो देखो भाई कैसे लिखेंगे, यहां पर अगर मैं बोल दूं कि ये ई वन था, ये ई टू था, ये ई थ्री था, ये ई फोर था, ठीक है, तो ये डायरेक्टेड एजेस की बात कर रहा हूं, यहां पर इस ग्राफ में मैं डायरेक्टेड एजेस की बात कर रहा हूं। तो क्या बनेगा भाई, ई वन क्या बनेगा मेरा, गौर से देखो, ए टू बी है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स का फर्क है, गौर से देखोगे सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क है, ये सेट वाला ब्रैकेट है नॉर्मल, ठीक है, इज इट क्लियर, ओके। यहां पर क्या आएगा, ई टू डी से बी, डी से बी, डी से बी, ठीक है, ई थ्री क्या आएगा मेरा, डी से सी, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है मेरे, ई फोर क्या आएगा, और लास्ट में ई फोर इज फ्रॉम ए टू सी, इज इट क्लियर, डायरेक्टेड एजेस और अनडायरेक्टेड एजेस, फर्क क्लियर आपको, फर्क क्लियर आपको, ठीक है, सभी के सभी बताएंगे यस और नो, कि भाई डायरेक्टेड एजेस में मैटर ही नहीं करता कि भाई किससे कहां तक जा रहा है, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन सी वर्टेक्स कनेक्टेड है, डायरेक्टेड एज में दिस इज इंपॉर्टेंट कि कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ए से सी जा रहा है, डी से सी जा रहा है, डी से बी जा रहा है, इज इट क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर है, सभी के सभी बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लूप क्या होता है, पैरेलल एज क्या होता है, एंड देन एट लास्ट आवर वेटेड एज, व्हाट इज वेटेड एज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूं कि एक लूप क्या होता है, एक लूप क्या होता है, ठीक है, तो एक अगर कोई ग्राफ है ऐसे छोटा सा बना देते हैं, ठीक है, अगर इसी में मैं कुछ ऐसा बना दूं, कैसे, अगर इस तरीके से बना दिया मैंने, इस तरीके से मैंने बना दिया, तो देखो इसकी स्टार्टिंग वर्टेक्स भी यही है इस एज की, और एंड वर्टेक्स भी यही है, स्टार्टिंग वर्टेक्स भी यही है और एंड वर्टेक्स भी है, दिस इज द लूप, दिस इज द लूप। जब मेरे किसी भी एज के लिए अगर मैं बात करता हूं, ये E1 एज है, ये E2 एज है, E2 को मैं कैसे लिखूंगा, E2 को मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं एक अनऑर्डर्ड पेयर की बात करूं कि अगर भाई ये अनडायरेक्टेड एज है, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं, सिंपली तब भी ऐसे लिखूंगा B, B, और अगर डायरेक्टेड हो भी जाती तो कैसे लिखूंगा, तब भी मैं इसको इस तरीके से लिखता B, B, दिस इज माई सेल्फ लूप, दिस इज माई सेल्फ लूप,
ठीक है, अपने हिसाब से डेफिनेशन थोड़ा बेटर वे में लिखते रख चलिएगा ताकि आपको चीजें क्लियर रहे, ठीक है। एक एक चीज अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्लियर है सभी को? लूप वाला पॉइंट क्लियर है? लूप और सेल्फ लूप, सिंपल, ठीक है, ठीक है। अभी इन सभी के बेसिस पे मैं आपको ग्राफ बताऊंगा कि भाई अगर ये चीज आ जाए तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, अगर ये चीज आ जाए तो हम उस ग्राफ को क्या बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है मेरा, पैरेलल एज, पैरेलल एज, पैरेलल एज की बात करते हैं, पैरेलल एज की, सिंपली ए और बी के बीच में अगर मैं एक और एज बना दूं, अगर मैं एक और एज बना दूं पैरेलल एज, जिसे मैं मल्टी एज भी बोलता हूं, कहने का मतलब है सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में वी आर हैविंग मल्टीपल एजेस, सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में वी आर हैविंग मल्टीपल एजेस, ठीक है, ओके। तो क्या बन जाएगा ये, मल्टीपल मल्टी एज, इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? सिंपल सा था। लूप अगेन, लूप रिपीट कर दूं, देखो मैंने क्या बोला, लूप के लिए सिंपल सी चीज बताई कि लूप एक टाइप की एज होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। जैसे यहां पर E2 को बना रखा है, E2 को मैंने दोनों तरीके से बता दिया है कि अगर वो क्या होती, अगर वो होती अनडायरेक्टेड एज तो किस तरीके से दिखाता मैं लूप को, और अगर वो डायरेक्टेड होती तो किस तरीके से दिखाता। इज इट क्लियर? क्लियर है? लूप और सेल्फ लूप ये इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं, लूप और सेल्फ लूप हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है। जनरली जो लूप का मतलब रहेगा वो सेल्फ लूप ही रहेगा शॉर्ट में, ठीक है। जनरली जो लूप का मतलब रहेगा वो सेल्फ लूप ही रहेगा शॉर्ट में। इज इट क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े भाई, पैरेलल एज की बात हो गई, क्या रहा भाई अभी हमारा, हमारा रहा ओके, अभी हम बात करेंगे वेटेड एज के बारे में, वेटेड एज के बारे में, ठीक है, ओके। तो लास्ट मेरा पॉइंट है वेटेड एज, देख लेते हैं भाई वेटेड एज क्या होता है एग्जैक्टली। वेटेड एज क्या होता है, व्हेन वी एसोसिएट अ वैल्यू अलोंग विद एज, अ वैल्यू अलोंग विद एन एज, ठीक है। कहने का मतलब है ए बी सी डी, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां पर एक वैल्यू एसोसिएट कर देता हूं 5, यहां पे वैल्यू 6, 3, 7। व्हेन वी हैव अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एज, क्या लिखूं इसको शॉर्ट में, वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एज, इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? पैरेलल एज अभी बताया बड़ी, पैरेलल एज क्या होता है, व्हेन वी हैव टू वर्टिसेस विच आर कनेक्टेड बाय नंबर ऑफ एजेस, अगर एक से ज्यादा एज आ जाए सेम सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में, देन वी हैव अ पैरेलल एज और अ मल्टी एज, ठीक है। अगर मेरे पास सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स, देखो ए और बी को ही मैंने मल्टीपल वेज में कनेक्ट कर रखा है डायरेक्टली, डायरेक्टली पॉइंट इज डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आ गया, ये भी डायरेक्ट आ गया, ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा था। अगर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम इसका देखना चाहूं मैं, कि भाई अगर आपको डायग्राम छोटा लग रहा हो तो ये बना सकते हो आप, ठीक है, ये लिख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है, यू कैन टेक दिस अप, यू कैन टेक दिस अप, ठीक है। पैरेलल एज के लिए कि ए और बी के बीच में पैरेलल एजेस आर देयर, मल्टी एजेस देयर, और सी और डी के बीच में भी वी आर हैविंग 3-3, ठीक है, ठीक है। जस्ट टेल मी एवरीवन, क्लियर है यहां तक सभी को? पैरेलल एज का एक और एग्जांपल मैंने दिखा दिया है ग्राफ के थ्रू, और ये हमारा वेटेड एज के बारे में मैंने बात कर ली यहां पर, इज इट क्लियर? अभी बात करते हैं हम ग्राफ के बारे में, ग्राफ की टर्मिनोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि कैसे कैसे टाइप के मेरे पास ग्राफ्स हो सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे टाइप के मेरे पास ग्राफ्स हो सकते हैं। क्या लूप में क्या बड़ी, प्रवीण प्रजापति, लूप वाले में इवन, इवन इवन की हमने बात नहीं की है, क्योंकि इवन लूप थोड़ी ना, इवन नॉर्मल एज था मेरा, नॉर्मल एज था, इसीलिए मैंने इवन के बारे में बात नहीं की, मेन क्या था E2, इसीलिए मैंने उसके बारे में बात की। अगर मैं सिर्फ छोटा सा ग्राफ बना देता तो दिक्कत हो जाती, इसीलिए मैंने थोड़ा सा दो एज लेकर के लूप को मैंने एक्सप्लेन किया, इज इट क्लियर? नहीं 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 नहीं, पैरेलल एज का यही है कि भाई अलग अलग वर्टेक्स होना चाहिए, अगर वो दोनों सेम हो जाएंगे तो लूप बन जाएगा ना, वो तो लूप बन जाएगा, लूप तो आप फिर कितने भी कैसे भी कर लो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है, इज इट क्लियर?
जब भी हम पैरेलल एज और मल्टी एज की बात करेंगे, मैं बोलूंगा मेरे सेट ऑफ जो वर्टिसेस है दोनों, वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग होना चाहिए, वरना तो वो लूप बन जाएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे वर्टिसेस के बारे में, ठीक है, वर्टिसेस नहीं, डायरेक्टली अब हम बात करते हैं हमारे ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं। देखो भाई क्या हुआ, ओके जल्दी से देख लीजिए भाई, एक बार जल्दी से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो दीपंजन जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दीपंजन जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि भाई अगर मेरे पैरेलल एज के केस में डायरेक्शन, तो वो हम डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात करेंगे। और डायरेक्टेड एज कब सेम होती है, जब मुझे पता है सेम वर्टेक्स से जो मेरा एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट अगर सेम है तो पैरेलल एज बनेगी, अगर मेरा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम है तो मेरी पैरेलल एज बनेगी उस केस में। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। अमितेश मैंने आपको बताया था, बड़ी अमितेश मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, वन और मोर की बात नहीं करेंगे, टू और मोर की बात करेंगे। अगर हमें पैरेलल एज की बात करूं, टू और मोर, वन तो हमेशा ही रहेगी ना, वन तो हमेशा ही रहेगी, वन एज इज नॉर्मल, ठीक है, वन एज इज नॉर्मल। इज इट क्लियर अमितेश जी, क्लियर है आपको? दीपंजन क्लियर है आपको? यस और नो, दोनों को क्लियर है? अच्छे से जल्दी से बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम ग्राफ्स के बारे में बात कर रहा था, डायरेक्टेड हो सकता है, अनडायरेक्टेड हो सकता है, डायरेक्टेड हो सकता है। अनडायरेक्टेड के अंदर वी कैन हैव सिंपल, मल्टी एंड सूडोग्राफ, ठीक है, और डायरेक्टेड के अंदर भी सिंपल, मल्टी और मिक्स ग्राफ की मैं बात करूंगा, ठीक है, ठीक है। देखिए भाई अब क्या लिखूंगा मैं यहां पे, सिंपल क्या होगा, सिंपल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही चल गया है अनडायरेक्टेड एजेस रहने वाली है यहां पे, सबसे पहली सबसे पहला पॉइंट कि अनडायरेक्टेड एजेस रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा नो लूप एंड पैरेलल एज, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है, ठीक है। डायरेक्टेड पैरेलल, ये ऐसे तो कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे, डायरेक्टेड पैरेलल हो सकता है बड़ी, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, अनडायरेक्टेड पैरेलल भी हो सकता है, वही मैं यहां पर बताने वाला हूं, रुको रुको कंप्लीट करने दो, ठीक है, पहले चीजें कंप्लीट करने दो, उसके बाद अगर आपका डाउट रह जाता है तो पूछो, ठीक है, जस्ट नोट योर डाउन, ओके। मल्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या क्या हो सकता है भाई, मल्टी में सिंपली विल बी हैविंग पैरेलल एजेस, अगर मैं बात करूं सिंपल ग्राफ में आप सिर्फ ऐड कर दो, सिंपल में आप ऐड कर दो क्या, मेरी पैरेलल एजेस, ठीक है, पैरेलल एजेस को ऐड कर दो। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर आप ऐड कर दो लूप्स को, ठीक है, इज इट क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ सब कुछ, अच्छे से क्लियर हुआ। सिंपल की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारा जो मोस्टली रहने वाला है, और याद रखिएगा यार, मतलब और चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर सिंपल ग्राफ, सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ हैविंग नो लूप एंड पैरेलल एज, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगेन सेम चीज, सिंपल के लिए सेम चीज बोलूंगा मैं कि यहां पर भी कोई लूप नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई पैरेलल एज होनी चाहिए। जब यहां पर मैं मल्टी ग्राफ की बात करूंगा तो यहां पर मैं बोलूंगा किसके लिए, डायरेक्टेड के लिए, डायरेक्टेड के लिए वी कैन हैव लूप एज वेल एज मल्टी एज और पैरेलल एज, ठीक है, पैरेलल लिख देता हूं ब्रैकेट में, वरना बोलोगे सर आपने पैरेलल नहीं बताया यहां पर, ठीक है, ये वाला। और मिक्स्ड के अंदर यू कैन हैव डायरेक्टेड
एंड अनडायरेक्टेड दोनों की दोनों हो सकती हैं आपकी एजेस, ठीक है, दोनों टाइप की एजेस आपकी हो सकती है, डायरेक्टेड एजेस भी हो सकती है, अनडायरेक्टेड एजेस भी हो सकती है, ठीक है। और क्या आपके लूप्स भी हैं, आपकी पैरेलल एजेस भी हैं, सब कुछ है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, जस्ट टेल मी, सभी को क्लियर है यहां तक? सभी को क्लियर है? बेसिक सी चीजें मैंने बात की है, ठीक है, बेसिक किस बेसिक सी चीजें मैंने बात की यहां तक। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो अभी जो हमारी लाइव क्लास चल रही है वो दो जगह पे चल रही है, हमारी लाइव ऐप पे चल रही है और हमारी यूट्यूब पे चल रही है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं दूसरी जगह से आंसर कर रहा हूं, कुछ चीजें मैं यूट्यूब से आंसर कर रहा हूं, इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल गया होगा ओवरऑल कि कैसे कैसे टाइप के मेरे डिफरेंट ग्राफ्स बन सकते हैं, जिनके अंदर मेरे पास मल्टी एज आ सकता है, पैरेलल एज आ सकता है, ठीक है, कि डायरेक्शन होगी या नहीं होगी इस तरीके से, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छे से सबको क्लियर है? अच्छे से सबको क्लियर है? और इस तरीके से आप वेट तो कहीं भी लगा सकते हो, वेट इज लाइक वेट इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है, वेटेड एज इज कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो वेटेड तो आप कहीं भी लगा दो, अगर आपके पास एक ग्राफ है उसमें वेटेड ग्राफ अगर उसमें बनाना है तो बस आपको वैल्यू एसोसिएट कर देनी है, हर एक एज के साथ काम हो जाएगा, ठीक है। तो वेटेड एज को इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो थोड़ा सा अलग चला जाता है। ओवरऑल दिस इज दी ओवरऑल व्यू कि भाई क्या क्या चीजें होती है हमारे पास ग्राफ में, किस तरीके से डिफरेंट ग्राफ मेरे हो सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर अच्छे से? तो मैंने बेसिक सी डेफिनेशन की बात करी, मेरा ग्राफ क्या होता है और उसके टाइप के बारे में। आगे बढ़े, ओके, डायरेक्टेड सिंपल कैसा होगा? डायरेक्टेड सिंपल कैसा होगा? देखो भाई मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिखा देता हूं डायरेक्टेड सिंपल का, ठीक है। खुद से ट्राई करना कुछ कुछ चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, हर एक चीज ऐसे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, तो मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। डायरेक्टेड सिंपल ग्राफ मेरा कैसे दिखेगा? ए बी सी डी बना दो यार। इज इट क्लियर? क्या यहां पे कोई भी आपको मल्टी एज दिख रही है या फिर पैरेलल एज दिख रही है या फिर कोई आपको लूप दिख रही है? नहीं है, दिस इज अ सिंपल सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्शन से पता चलता है मेरा डायरेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। आप ऑर्डर से पता लगा सकते हो किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। इज इट क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर अच्छे से? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन आती है, एक डेफिनेशन आती है डिग्री, ठीक है, एक डेफिनेशन आती है डिग्री। अब वो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज माई डिग्री, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज माई डिग्री, ओके, व्हाट इज डिग्री? इंसिडेंट Incidents on a vertex through edges. ठीक है, सिंपल से अगर मैं बात करूं, डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, या फिर सिंपली इंसिडेंट्स मैंने लिख दिया है। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए, तो देखो भाई, दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये देखिए, इसके अंदर गौर से देखना, और भी कुछ बना सकते हैं क्या? एक ये भी बना लेते हैं, एक ये भी बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स का मतलब क्या है एग्जैक्टली? नंबर ऑफ इंसिडेंट्स का मेरा मतलब क्या है कि भाई कोई भी जो मेरी वर्टेक्स है वो कितने एज के थ्रू कनेक्टेड है, ये जो मेरी वर्टेक्स है, ये जो डी वर्टेक्स है, ये कितनी मेरी एजेस के थ्रू कनेक्टेड है, ये वाली जो वर्टेक्स है ये कितनी एजेस के थ्रू कनेक्टेड है, ये कितनी एजेस के थ्रू कनेक्टेड है, ये कितनी एजेस के थ्रू कनेक्टेड है, दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल रिया, ठीक है। तो जरा आप मुझे बताएंगे डिग्री ऑफ ए कितनी है, डिग्री ऑफ बी कितनी है, डिग्री ऑफ सी एंड डी, इसीलिए ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाया है, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। डिग्री ऑफ ए कितना बनेगा, कितने एजेस के थ्रू कनेक्टेड है, थ्री। बी कितने के थ्रू कनेक्टेड है,
एक, सी कितने के थ्रू कनेक्टेड है भाई, दो, डी कितने के थ्रू कनेक्टेड है मेरा, दो। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। सिंपल सी चीज थी, डिग्री क्या होता है समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया कि डिग्री क्या होता है भाई, डिग्री क्या होता है समझ में आया, यस और नो? ठीक है, तो अभी जो मैंने ये डिग्री बात की, ये मैंने किसकी बात करी, अनडायरेक्टेड के लिए। अगर डायरेक्टेड ग्राफ आता तो उसकी डिग्री कैसे बात करेंगे हम, तब उसकी डिग्री की कैसे बात करेंगे हम, तब उसकी डिग्री की कैसे बात करेंगे। देखो भाई, उस केस में मेरा थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाता है। पहले एक और एग्जांपल ले लेता हूं एक और चीज के लिए, ठीक है, कि अगर यहां पर मैं ऐसे बना देता, अगर मैं यहां पर ऐसे बना देता, ये मेरा सिंपल ग्राफ तो नहीं रहा, फिर भी लूप को भी कंसिडर कर लेते हैं एक बार के लिए, लूप को भी कंसिडर कर लेते हैं। अगर लूप होता तो क्या हो जाती बी की डिग्री, तब बी की डिग्री कितनी हो जाती भाई, कैन यू जस्ट टेल मी गाइस, तब कितनी हो जाती मेरी लूप की डिग्री, लूप की नहीं, बी की डिग्री कितनी हो जाती। देखो, इन दैट केस जब भी मेरा लूप आता है तो लूप की वजह से मेरा जो डिग्री में इंक्रीमेंट आता है वो दो का आता है। ठीक है, इस पार्ट को एक बार इस पे हाथ रख के देखना, आपको लगेगा कि यार ये जो बी है ना, ये कितने से कनेक्टेड है, थ्री एजेस के थ्रू कनेक्टेड है, यस और नो? ये जो लूप बन रहा है बस उधर आप हाथ रख लीजिए और देखिए कि भाई कितनी एजेस जा रही है, आ रही है, टोटल देखिए, तो आपको दिखेगा कि थ्री एजेस के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो यानी कि जो लूप है वो अपने आप में डिग्री दो बार काउंट करवाती है, जो लूप होती है उस केस में डिग्री दो बार काउंट होती है, यस और नो? सभी को क्लियर है? तो इस केस के लिए मेरे पास डिग्री हो जाएगा थ्री। इज इट क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर अच्छे से, यस और नो? इज इट क्लियर? अच्छे से, बहुत सिंपल सी चीज थी, यस और नो? अभी मैं बात कर लेता हूं डिग्री फॉर डायरेक्टेड एजेस या फिर डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है यहां तक? देखिए, अब डायरेक्टेड ग्राफ के चक्कर में कैसे लिखेंगे हम, उधर कैसे लिखेंगे, एक सिंपल सा बनाते हैं भाई, पहले बना लेते हैं एक ग्राफ। ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जी, ठीक है, ये मेरा एक ग्राफ है जिसके अंदर मैं बना देता हूं, ठीक है। सो दीज आर द वर्टिसेस आई एम हैविंग, और एक ये मेरा क्या है, हाँ उस केस में मैं बता रहा हूं, ठीक है, उस केस में मेरे पास डिग्री थोड़ा सा बदल जाती है। उस केस में मैं डिग्री कुछ इस तरीके से लिखता हूं, डिग्री प्लस फॉर एनी वर्टेक्स वी, और डिग्री माइनस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मेरा, दिस इज आउट डिग्री, दिस इज आउट डिग्री, सिंपल है, बहुत सिंपल है, और इसका मतलब क्या होता है, इन डिग्री, इन डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई डिग्री, इन डिग्री का मतलब क्या है, कि भाई मेरी वर्टेक्स की तरफ, मेरी वर्टेक्स की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन एसोसिएटेड है, मेरी वर्टेक्स की तरफ कितनी एजेस आ रही हैं। आउट डिग्री का मतलब क्या है, कि मेरी वर्टेक्स से दूर कितनी एजेस जा रही है, मेरी वर्टेक्स से दूर कितनी एजेस जा रही है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अब हर एक वर्टेक्स के लिए मैं दोनों चीजों की बात करूंगा, इन डिग्री की भी बात करूंगा और आउट डिग्री की भी बात करूंगा। इज इट क्लियर? तो देखो भाई, जल्दी से लिखेंगे एक बार क्या क्या होगा मेरा, पहले तो इसकी बात करते हैं, डिग्री प्लस की बात करेंगे हम, ए की कितनी होगी आप सभी को बताना है, डिग्री बी की कितनी होगी, अभी क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, डी की, ई की, बाकी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैं बात करता हूं थोड़ा सा, डिग्री माइनस ऑफ ए, डिग्री माइनस ऑफ बी, डिग्री माइनस ऑफ सी, डिग्री माइनस ऑफ डी एंड डिग्री माइनस ऑफ ई, ठीक है, सेम की बात कर लेते हैं। कितना कितना होगा आपको अंदाजा लग रहा होगा साफ साफ कि भाई किस तरीके से बताएंगे अब हम सर। देखो,
मैंने आउट डिग्री क्या बताया, जो आपकी दूर जा रही है, जो आपकी दूर जा रही है, ठीक है, आपकी वर्टेक्स से दूर जा रही है। तो ए से दूर कितनी जा रही है, एक जा रही है, ए से दूर एक जा रही है, चल राइट वन। बी से दूर कितनी जा रही है, एक जा रही है, ओके। सी से दूर कितनी जा रही है, कोई भी नहीं जा रही है, दोनों की दोनों सी की तरफ आ रही है, ठीक है। अच्छा डी से दूर कितनी जा रही है भाई, डी से दूर एक जा रही है। ई की अगर मैं बात करूं, ई कहां है, ई से दूर एक जा रही है, ठीक है। अच्छा और माइनस यानी इन डिग्री का मतलब क्या है कि मेरी वर्टेक्स की तरफ कितनी एजेस अप्रोच कर रही हैं, मेरी वर्टेक्स की तरफ कितनी एजेस अप्रोच कर रही हैं, ठीक है। तो ए की तरफ कितनी आ रही है, जीरो, कोई नहीं आ रहा। बी की तरफ कितनी आ रही है, एक आ रही है, ठीक है। सी की तरफ कितनी आ रही है भाई, दो आ रही है। डी की तरफ कितनी आ रही है, कोई नहीं आ रही। ई की तरफ कितनी आ रही है, एक आ रही है। इज इट क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, सिंपल सा हो गया ना, सिंपल सा हो गया, यस और नो। सेल्फ लूप अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है कि सेल्फ लूप के केस में मेरी डिग्री दो बार काउंट हो जाती है, मेरी डिग्री दो बार काउंट हो जाती है, ठीक है। और अगर इस केस में जी गए भाई, जी ये रहा, इसी केस में एक ये भी लगा देते हैं, ठीक है, ये भी लगा देते हैं यहां पर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ऐसे जाकर के ऐसे आ रही है। तो अगर मैं बात करूं, एक बार यहां पर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग बन जाएगा, डिग्री प्लस ऑफ जी कितना होगा और डिग्री माइनस ऑफ जी कितना होगा, इधर भी एक बार लूप की बात कर लेते हैं, कितना कितना होगा। जी से दूर कितनी जा रही है, एक जा रही है, इसी को देखोगे अगर ये चीज हटा दो, मैंने बोला ना लूप को थोड़ा सा इस तरीके से देखो कि भाई आपको दिखे ना कि वो लूप है, बस एज दिखे, तो क्या हो रहा है कि एक दूर जा रही है, एक दूर जा रही है। और इन डिग्री कितनी हो जाएगी, ये देखो कि एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। इज इट क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ, यस और नो एवरीवन, सिंपल था, आराम से चीजें समझ में आ रही है, यस और नो। सेल्फ लूप मैंने आराम से बताया आपको किसके लिए, अनडायरेक्टेड के लिए, और फिर मैंने बताया डायरेक्टेड के लिए भी, और ये पूरा इन डिग्री आउट डिग्री क्या होता है, ठीक है। एफ की हमने बात नहीं करी है, एफ का भी होगा, एफ की मैंने बात नहीं किया यार, सारा लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए मैंने कुछ छोड़ दिया था, कुछ कितना छोड़ा, एफ और जी छोड़ दिए थे, और लास्ट में मैंने जी को ले लिया है, जी को कंसीडर कर लिया है, ठीक है। एफ की भी बात कर सकते हैं, एफ की मैं वर्बली आपको बता देता हूं, एफ की कितनी बनेगी इन डिग्री, इसकी तरफ कितनी आ रही है, एक और दो आ रही है, तो इन डिग्री बनेगी दो, इन डिग्री बनेगी दो, आउट डिग्री कितनी बनेगी, तीन, आउट डिग्री बन जाएगी एफ की तीन। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है अच्छे से सिंपल वे में, ठीक है। जस्ट टेल मी एवरीवन, यहां तक सभी को क्लियर है चीजें, अभी हमने कोई भी अलग से थ्योरम की बात नहीं करी, अभी हम सारी बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, सारी की सारी बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को यहां तक, ओके, बहुत बढ़िया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आई गेस सभी को यहां तक क्लियर होगा आराम से। आउट डिग्री जी की, जी की तो एक ही होगी ना, जी की एक ही होगी, कौर से देखो जी की आउट डिग्री टू कैसी होगी, जी की आउट डिग्री कैसे होगी टू, देखो गौर से, मैंने बोला था आपको लूप को कैसे देखना है, लूप को कैसे देखना है, इस तरीके से एक बार हाथ रख के देख लीजिए, तो आपको दिखेगा कि भाई ये लूप था ऐसे ही आएगा, तो आप इस पे हाथ रख करके देख लीजिए। जी से दूर कितनी जा रही है, जी से दूर सिर्फ एक ही जा रही है, आउट डिग्री सिर्फ वन है, और जी की तरफ कितनी आ रही है, दो आ रही है, एक इधर से एक ये आ रही है, यस और नो, ठीक है। एफ की इन डिग्री कितनी होगी, एक दो, आउट डिग्री कितनी होगी, एक दो तीन, सिंपल। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर हुआ आराम से, ठीक है, हमने आराम से चीजें क्लियर कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें थी, ठीक है। तो डिग्री की मैंने बात कर ली है फॉर माई डायरेक्टेड एज वेल एज अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अभी हम बेसिक सी चीजें कर रहे हैं, सारी की सारी बेसिक सी चीजें कर रहे हैं, अभी असली चीजों पर शुरू किया ही नहीं है हमने। एफ की टू कैसे,
सुमित जी यहां पर गौर से देखिए, एफ की टू कैसे होगी इन डिग्री, ये देखो यार, ये आ रही है, ये आ रही है एफ की तरफ, ये भी एफ की तरफ आ रही है, इन डिग्री टू हुई या नहीं हुई, दो एजेस एफ की तरफ आ रही है और एफ से दूर कितनी जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है। सिंपल मैं उंगलियों से इशारे करके बता रहा हूँ, बड़ी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और नहीं क्लियर होता है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम थोड़ा सा, क्या कनेक्टेड कंपोनेंट के बारे में, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है किस, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है। डिग्री खत्म नहीं हुआ है, कुछ चीजें हैं बेसिक सी जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके सभी चीजों के बारे में, ठीक है। ओके, ठीक है। सुमित जी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है, आप ही अटके हुए आई गेस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैंने बोला आपको, ठीक है, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई भी इशू है। ओके, तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स की बात करता हूँ मैं। कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो भाई, कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं सिंपली इफ वी हैव अ पाथ, पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेसेस, देन माई ग्राफ इज कनेक्टेड, देन माई ग्राफ इज कनेक्टेड। ठीक है, अभी सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे हम, ज्यादा कनेक्टिविटी के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कनेक्टेड कब हो सकता है, ठीक है। जब मैं कनेक्टिविटी अलग से बात करूंगा कि भाई वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होती है, एज कनेक्टिविटी क्या होती है, तब हम आएंगे, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं कनेक्टेड कंपोनेंट, तो कनेक्टेड कब होगा मेरा ग्राफ, व्हेन वी कैन हैव अ पाथ फ्रॉम, व्हेन वी कैन हैव अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेसेस, एवरी पेयर ऑफ वर्टेसेस, जैसे कि I and J, ठीक है, this is my G। अब देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है मेरा कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है मेरा कनेक्टेड है, ठीक है। किस तरीके से कनेक्टेड है, आप कोई भी दो वर्टेक्स की बात करो, कोई भी दो वर्टेक्स की बात करो, उनके बीच में आपको कोई ना कोई पाथ मिलेगा। क्या आप H से D तक जा सकते हो, क्या आप H से J तक जा सकते हो, क्या आप H से F तक जा सकते हो, एक पाथ क्या होगा, नॉर्मली अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, कनेक्टेड वर्टिसेस, पाथ क्या होगा, इन शॉर्ट इफ आई वांट टू टेल यू, पाथ की प्रॉपर डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पाथ अभी के लिए नॉर्मली मैं क्या बोलूंगा, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड वर्टिसेस, बेसिकली कनेक्टेड वर्टिसेस, ठीक है। तो देखो क्या आप जा सकते हो, एच से डी जा सकते हो, यस, एच बी ए डी, H, B, C, D आराम से जा सकते हो। क्या आप H से J तक जा सकते हो, H, B, C, F, G, J आराम से पहुंच गए, yes or no? सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, yes or no? आराम से चीजें समझ में आ रही है, जस्ट टेल मी एवरीवन, इज इट क्लियर। कनेक्टेड कंपोनेंट, या फिर अभी सिर्फ मैं बात करूं कि ग्राफ कब कनेक्टेड होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, कि हमारे पास हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए, यस और नो एवरीवन, सभी के सभी बताएंगे भाई एक बार, जस्ट टेल मी,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अनुरेश बोल रहा है एक बार रिपीट के लिए, अनुरेश देखो कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला कि आप कोई भी दो वर्टेक्स पिक करो, कोई भी दो वर्टेक्स को पिक करो और उनके बीच में देखो क्या आप पहुंच पा रहे हो उस गिवन वर्टेक्स से किसी और वर्टेक्स तक। जैसे कि एच से शुरू किया आपने, बी तक गए, सी एफ ई जे आई, एच से आप इस तरफ आ पा रहे हो सब जगह, यस, ए से, मतलब कहने का मतलब है कोई भी दो पेयर ऑफ वर्टेक्स ले लो और उनके बीच में आपस में कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए, देन द ग्राफ इज कनेक्टेड। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, कनेक्टिविटी का सिंपल मतलब क्या है, यहां पर अगर मैं बात करूं कनेक्टेड ग्राफ के लिए, कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, आप कब बोलोगे कि कोई भी दो सिटी कनेक्टेड है। सिंपल अगर रियल लाइफ में मैं एग्जांपल की बात करूं, कब बोलोगे कि कोई भी दो सिटी कनेक्टेड है, व्हेन देयर एग्जिस्ट सम पाथ कि आप भाई कैसे भी, एक एग्जांपल अगर मैं यहां पर लेना चाहूं सिंपल सा, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर लेना चाहूं, एक सिंपल सा कि जैसे ये मुंबई है, यहां पर कोलकाता है, व्हेन विल यू से कि ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए सच दैट मैं बोल सकूं कि भाई ये दोनों की कनेक्टेड है, दोनों के दोनों कनेक्टेड है। पाथ के लिए मैंने सिंपल सा बोला था सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड वर्टिसेस, एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूं सच दैट आपको समझ में आए कि भाई मेरे ग्राफ कब कनेक्टेड होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन की जब मैं बात करूंगा, जब मैं वॉक पे आऊंगा, पाथ पे आऊंगा, सर्किट पे आऊंगा, जब मैं बात करूंगा एप्लीकेशन की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, बिल्कुल जब स्टार्ट करी थी क्लास आज की, कि भाई ये सब चीजें भी होती हैं बहुत सारी, इनकी क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि बात क्या है, सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड वर्टिसेस, सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड वर्टिसेस, डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टिसेस। ठीक है, आप कब बोलोगे कि मुंबई और मेरा कोलकाता कनेक्टेड है, कि जब जब या तो कोई मेरा डायरेक्टली ऐसे बनता हो, या तो डायरेक्टली ऐसा कुछ हो एज मेरे लिए, और अगर डायरेक्टली नहीं है, अगर मेरे लिए अगर मेरे लिए डायरेक्टली नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि भाई यहां से कोई शहर आ गया, जैसे कि कौन सा है भाई, नागपुर आ गया। ठीक है, मुंबई से नागपुर के लिए कोई रास्ता होगा, ठीक है, फिर यहां पे भिलाई होगा, भिलाई से भी कोई एक और सिटी होगी, अब मेरे को ज्यादा सिटीज का नाम नहीं पता। ठीक है, फिर वहां से कुछ ऐसे होगा कि कोलकाता में पहुंच पाऊं, तब आप बोलोगे कनेक्टेड है, यस और नो। एक सिंपल सी चीज है कि भाई मैं कब बोलूंगा कि कोई भी दो सिटी कनेक्टेड है, व्हेन देयर एग्जिस्ट सम पाथ, कोई रास्ता बनता है कोई भी एक स्टार्टिंग सिटी से एंड सिटी तक पहुंचने का। सिमिलर चीज है, मेरा एकदम सिमिलर एग्जांपल है, यहां पर सिमिलर पैटर्न है। यहां पर क्या ग्राफ को कब कनेक्टेड बोलूंगा कि कोई भी, इसको आप ये मान लो कि ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप टाइप मान लो, इंडिया का मैप टाइप मान लो, ये रोड नेटवर्क बता रहा है। तो अब आप कब बोलोगे कि भाई इसमें, इस ग्राफ में सारी सिटी कनेक्टेड है, कब बोलोगे, जब आप किसी भी सिटी से किसी और सिटी तक जा सकते हो बिना किसी इशू के। ठीक है, बिना किसी इशू के, इज इट क्लियर। जब मैं एक पाथ ढूंढ पा रहा हूं कि भाई मेरे को ए से जी जाना है, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं डी से एफ जा सकता हूं, क्या मैं डी से आई जा सकता हूं, या मैं एच से एफ जा सकता हूं, इज इट क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर है चीजें, यस और नो। सिंपल सी चीजें, कब बोलूंगा कि मेरा ग्राफ कनेक्टेड है। ठीक है, कब बोलूंगा कि मेरा ग्राफ कनेक्टेड है। और इसको एक मतलब, एक ये तो हो गया मेरा सिंपल सा कि भाई बुक वाली डेफिनेशन मैंने बोल दी कि भाई एक ना पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो कैसे होगा, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो कैसे दिखेगा, अब यहां पर देखना आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक बड़ा सा मैं ग्राफ बनाऊंगा, अभी अच्छे से देखना, अब गौर से देखो सभी के सभी, मैं बोल रहा हूं ये पूरा का पूरा मेरा एक ग्राफ है, ये पूरा का पूरा मेरा ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मेरा वर्टेक्स का सेट इंपॉर्टेंट है और मेरा एजेस का सेट इंपॉर्टेंट है, यस और नो। तो आपको दिख रहा होगा कि ये, मैं बोल रहा हूं ये पूरा का पूरा मेरा ग्राफ है, इसके अंदर ना इसके इस ये जो छोटा सा ग्राफ दिख रहा है जिसे मैं एक सब ग्राफ बोल रहा हूं या फिर एक कंपोनेंट बोल रहा हूं, अभी डेफिनेशन पे गौर करना जो मैं बोल रहा हूं यहां पर, कि इसे मैं एक छोटा सा सब ग्राफ या फिर एक कंपोनेंट बोल रहा हूं, क्या इसमें कोई भी वर्टेक्स है, आप यहां पे किसी वर्टेक्स तक जा सकते हो,
क्या आप यहां पे कोई भी एक वर्टेक्स जो अवेलेबल है यहां पे किसी भी वर्टेक्स तक जा सकते हो? नहीं जा पाओगे। आप यहां पे किसी भी वर्टेक्स से यहां पर जा सकते हो? नहीं जा पाओगे। आप यहां पे ये जो छोटा सा ग्राफ है ये वाला, इसके अंदर किसी भी वर्टेक्स से क्या आप इस वाले सब ग्राफ या कंपोनेंट के किसी वर्टेक्स तक जा सकते हो? खुद से सोचो, सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज। तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा? डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड। ठीक है, जब आपके ग्राफ के टुकड़े हुए जाएं, सिंपल से अगर मैं हिंदी में बात करूं, अगर आपके ग्राफ के टुकड़े हो रखे हैं देन इट इज डिसकनेक्टेड। अगर ग्राफ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, देन इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? और जो ये सब ग्राफ है ना छोटे छोटे, ये जो सब ग्राफ है छोटे छोटे, इनको मैं बोलता हूं कंपोनेंट्स, इनको बोलता हूं मैं कंपोनेंट्स। ठीक है, डिसकनेक्टेड सब ग्राफ्स को मैं क्या बोलता हूं? कंपोनेंट्स बोलता हूं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? सभी के सभी बताएंगे भाई। अनुरेश क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ सभी को? तो यहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने दिख रहे हैं आपको? यहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने दिख रहे हैं? देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। ये छोटा सा सब ग्राफ जो है ये पूरा कनेक्टेड है अपने आप में, कि के से आप एम जा सकते हो, एल से के, एल से एम, सब ऐसे ही यहां पर ये अपने आप में छोटा सा कनेक्टेड सब ग्राफ है, ये अपने आप में छोटा सा कनेक्टेड सब ग्राफ है। ये कैसा है? ये अपने आप में छोटा सा कनेक्टेड सब ग्राफ है। ओवरऑल ये जो ग्राफ है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ये मेरा ग्राफ है कोई M, ये पूरा मेरा अगर मैं बोलूं ये ओवरऑल एक बड़ा सा ग्राफ है M, देन इट इज डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड। क्यों? आप यहां पे किसी भी वर्टेक्स से यहां पर नहीं जा सकते, या फिर ना ही यहां पर जा सकते हो। ऐसे यहां से यहां नहीं जा सकते, ना ही यहां जा सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? M इज योर डिसकनेक्टेड ग्राफ। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है चीजें? सभी को क्लियर है चीजें? सिंपल सा, जस्ट टेल मी एवरीवन, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? ठीक है, अभी मैंने बात की कि एक कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या हो सकता है, कंपोनेंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने बात की। यस और नो एवरीवन, जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर बडी? सभी को क्लियर है? Everyone, just tell me. Okay, okay. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी मैंने बेसिक बेसिक हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने ग्राफ की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ देख लिया, फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो थी विच वॉज डिग्री, और डिग्री को किस तरीके से आप सोच सकते हो फॉर डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड, उसके बारे में बात की। और फिर मैंने बात की किसके बारे में? मेरे कंपोनेंट्स और कनेक्टेड ग्राफ्स के बारे में, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ। इज इट क्लियर? थोड़ा सा हमने पाथ के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि पाथ क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा अच्छे से नहीं, ज्यादा डेप्थ में नहीं, बट समझ लिया है कि एक पाथ क्या हो सकता है। इज इट क्लियर? तो अभी हम आगे बात करेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बताएंगे, ठीक है? कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एक बार, कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी वर्कबुक मिल गई होगी, ठीक है, आपको ऑलरेडी वर्कबुक मिल चुकी होगी, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्कबुक आपको मिल चुकी होगी सभी को? यस और नो? ठीक है, मैंने डलवा दी थी, वर्कबुक आपके पास होगी, ठीक है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ये वर्कबुक का नहीं है, ये हम अपने आप से देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक मेरा सिंपल ग्राफ है, ब्रेक बड़ी, आई बी ऑनेस्ट कि मैंने बोला था जो अभी हमारी आज की क्लास रहेगी वो 9 बजे तक ही रहेगी, 10 बजे तक नहीं जा पाएगी, ठीक है। यस ध्रुव, बहुत बढ़िया। तो कनेक्टेड ग्राफ इंप्लाइज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कनेक्टेड अगर कोई ग्राफ है That implies one component. बहुत बढ़िया, लिख सकते हो अपनी कॉपी में, बहुत बढ़िया ध्रुव, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो अब अगर मैं ब्रेक की बात करूं तो ब्रेक अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 बजे तक ही हमारी क्लास है, ठीक है। मैंने बोला क्योंकि हमारा ऑलरेडी, हम किसी और बोर्ड पे, आपने देखा होगा किसी और बोर्ड को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, और अभी भी बहुत सारे लाइट इश्यू आए थे, तो किसी और सर की हमारी क्लास है आज, तो आज क्लास उतना देर तक नहीं हो पाएगी, 9 बजे तक ही होगी, ठीक है, 9 से पहले थोड़ा छोड़ देंगे हम। क्लियर है? अर्पित, अनुरेश, अरुणेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं।
क्या आप बता सकते हो मुझे सिंपल से, कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक होते हैं और उन्हीं के बारे में बात करूंगा, नंबर ऑफ एजेस सच दैट माई ग्राफ इज ओके, सच दैट छोड़िए, नंबर ऑफ एजेस की बात करते हैं सिर्फ हम, अभी नंबर ऑफ एजेस की ही बात करेंगे अभी हम, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अरे पूरा ही मिट गया। नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम इन अ ग्राफ, मैक्सिमम इन ग्राफ विद एन वर्टिसेस, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की बात करी इन ग्राफ विद एन वर्टिसेस, मिनिमम if graph is connected, minimum to be sure that graph is connected, इन तीन क्वेश्चन का जवाब देंगे और आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है, फिर और चीजों के बारे में बात करेंगे। डिग्री वाला पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये मत समझिएगा कि डिग्री खत्म हो चुका है, ठीक है, डिग्री हमने बस बेसिक सा कंसेप्ट समझ के छोड़ा है अभी, ठीक है, हम बात करेंगे डिग्री सिक्वेंसेज के बारे में, डिग्री के बेस पे कुछ और चीजें कि भाई डिग्री के बेस पे रेगुलर ग्राफ जो हो सकते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है, आइसोलेटेड वर्टेक्स, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अच्छे से। अभी कुछ बेसिक सी चीजें मेरे को ओवरऑल कवर करनी थी जो मैंने यहां पे आपके सामने डिस्कस करी, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एजेस की बात करेंगे, मैक्सिमम कितनी हो सकती है इन ए ग्राफ विद एन वर्टिसेस, ठीक है, ओके, मिनिमम कितनी हो सकती है अगर मेरा ग्राफ कनेक्टेड है, मिनिमम कितनी हो सकती है टू बी श्योर दैट ग्राफ इज कनेक्टेड, श्योर होना जरूरी है, ठीक है, तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपने हर जगह देखा होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम कितनी होगी कि भाई मेरी हर एक वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड हो। एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि भाई अगर मेरे पास पांच क्या है वर्टिसेस है, अगर मेरे पास पांच क्या है वर्टिसेस है, तो मैं अगर बताना चाहूं कि भाई इसके अंदर मैक्सिमम वर्टेक्स कितनी होगी, तो गौर से देखना यार, गौर से देखना, ए सबसे कनेक्टेड होना चाहिए, सबसे कनेक्ट कर दो, बी भी सबसे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, सी भी सबसे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, डी भी सबसे कनेक्टेड होना चाहिए, ओके, और कौन सा, ये रहा, ठीक है, डी भी सबसे कनेक्टेड हो गया। अब अच्छा गौर से देखना, गौर से देखना, अब आप मेरे को ये बता सकते हो कि भाई ए कितने से कनेक्टेड है, ए कितने से कनेक्टेड है, चार से कनेक्टेड है, यस और नो, चार से कनेक्टेड है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरी जो एजेस होंगी हर एक के लिए, ठीक है, हर एक के लिए एन माइनस वन एजेस होनी चाहिए, यस और नो, हर एक के लिए n माइनस वन एजेस होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, NC2 के बारे में बात करेंगे, पहले ये देखते हैं कि मैं बोल रहा हूं हर एक वर्टेक्स के लिए, फॉर ईच वर्टेक्स मेरे पास कितनी एज होनी चाहिए। देखो a कितने से कनेक्टेड है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, ठीक है, मैक्सिमम तो आपको पता है n माइनस वन होनी चाहिए अगर मेरे पास n वर्टेसेस है, ठीक है, n माइनस वन फॉर ऑल दी n vertices, for all the n vertices there will be n minus 1 edges, yes or no,
यस सर नो, यस सर नो। बट आप गौर से देखोगे, अगर गौर से अगर देखोगे कि आपने ना एजेस को दो दो बार काउंट कर लिया, जैसे सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, इसीलिए मैंने ये सारा अलग अलग कलर से ड्रॉ किया था। ए के लिए आपने ऑरेंज से ड्रॉ किया, जब बी के लिए ड्रॉ कर रहा था तो जो बची हुई थी मैंने उसको पिंक से ड्रॉ किया। काउंट तो ये भी होगी, काउंट तो ये भी होगी, यस और नो, काउंट तो ये भी होगी। ऐसे पैरेलल एज की बात करनी नहीं है, पैरेलल एज और मल्टी एज की बात करनी नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल एज आ जाएगी तो वो तो मैं कितनी भी बना दूंगा, लूप की भी बात करूंगा वो तो मैं कितनी भी बना दूंगा बीच में, ठीक है, कहीं भी, तो ऐसे तो बहुत सारी हो जाएगी। इसीलिए हम बात करते हैं सिंपल ग्राफ, इसीलिए डिस्कस करते हैं सिर्फ, अदरवाइज बहुत सारी नंबर ऑफ एजेस आ सकती है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या पॉइंट बोला कि भाई ये देखो, ए बी को मैंने दो बार काउंट कर लिया जब बी के लिए काउंट कर रहा था, कि भाई एक इससे, इससे, इससे और इससे भी कनेक्टेड होना चाहिए। तो गौर से देखो, ये तो एक ही है, ओके। ऐसे ही मैं सी के बारे में जब बात करा, मैंने ये दो बनाई सिर्फ अलग से, ये भी तो थी, ये भी तो थी, तो इसको जब कंसीडर करूंगा तो ये भी दो बार मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन ले लिया, इसको भी मैंने दो बार काउंट कर लिया। तो गौर से देखोगे जब मैंने ये लिखा तो हर एक एज दो बार रिपीट होगी काउंटिंग में, तो आपको एलिमिनेट करनी होगी डबल काउंटिंग। तो आप क्या करोगे यहां पर, डिवाइड बाय टू, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, यस और नो, जस्ट टेल मी एवरीवन। थोड़ा सा अलग वे में समझना जरूरी होता है चीजों को, डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला लगाना ठीक है, समझ सकते हैं फॉर्मूला अगर हमें आता है, अगर हमें कॉम्बिनेशन आता है तो हम बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक इंट्यूटिव अप्रोच। इज इट क्लियर, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इंट्यूटिव वे बेस्ट होता है, ताकि आपको चीजें समझ में आए और बहुत जल्दी आप सॉल्व करने लगते हो, रेदर देन जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला आप देख रहे हो, ठीक है। इज इट क्लियर, और वेरीफाई करने के लिए तो सबसे बेस्ट होता है इंट्यूटिव वे। सभी को क्लियर है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन माइनस वन हर एक वर्टेक्स के लिए, एजेस की बात की मैंने, ठीक है, हर एक वर्टेक्स के लिए। फिर मैंने बात की कि n वर्टेक्स है तो n इंटू एन माइनस वन होगी टोटल एजेस। फिर मैंने बात की कि भाई हर एक एज मैंने दो बार काउंट कर ली, जब a के लिए बात कर रहा था तो ये ए बी आ गई थी, और जब b की बात की तो भी ए बी आ गई। जब मैंने c की बात की तो मैंने देखो ए सी सी के लिए भी होगा और बी सी सी के लिए भी होगा, और बी सी बी के लिए, ए सी ए के लिए भी था। तो इस तरीके से ये वाली भी दो बार काउंट हुई, ये वाली भी, इस तरीके से सारी की सारी एजेस आपकी दो दो बार काउंट हो जाएगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है, यस और नो। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन थे बस यहां पर, क्वेश्चन थे कि भाई मैक्सिमम कितनी होगी अगर ग्राफ मेरा n वर्टिसेस का है, मिनिमम कितनी होगी अगर मेरी ग्राफ कनेक्टेड है, मिनिमम कितनी होगी टू बी श्योर कि पक्का पक्का कनेक्टेड है। सभी को क्लियर है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। और सिंपली अगर मेरे को बात करना हो कि भाई कितनी नंबर ऑफ एजेस मेरी होनी चाहिए, तो एजेस कब होंगी, कोई भी दो वर्टेक्स के बीच में ही होंगी, तो n में से कोई भी दो पिक कर लो, n में से कोई भी दो वर्टेक्स पिक कर लो, n c 2। और आपको तो पता ही है जब भी हम पिक करते हैं हमारे लिए मैटर नहीं करता ऑर्डर, तो अपने आप में ये हर एक एज को एक ही बार काउंट करता है, तो उससे भी n इंटू एन माइनस वन बाई टू ही आता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है आराम से, सभी को क्लियर है आराम से, जस्ट टेल मी एवरीवन। Everyone, just tell me everyone. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम देखते हैं कि भाई मिनिमम कितनी हो सकती है सर, मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है मेरे पास, ठीक है, एजेस एक ग्राफ के अंदर, मिनिमम एजेस, और वो कनेक्टेड होना चाहिए मेरा ग्राफ, ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड, मिनिमम और कनेक्टेड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एज की बात कर रहा हूं और ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से बात करूंगा मैं, आप कुछ इस तरीके से सोचोगे, यस बैकग्राउंड में नॉइज थोड़ा बहुत आ रहा होगा, एक मिनट, ओके। अभी के लिए लाइक ठीक है, अभी के लिए ठीक है, अभी हम अवॉइड नहीं कर सकते बैकग्राउंड नॉइज को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से सारी चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, नेक्स्ट क्लास से सारी चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। इसको देखते हैं हम,
मिनिमम और कनेक्टेड, तो कुछ इस तरीके से सोचोगे आप। अप्रोच देखना किस तरीके से बनाएंगे हम, अप्रोच देखना किस तरीके से बनाएंगे हम। देखो मैंने बोला n वर्टिसेस की बात कर रहा हूं, n वर्टिसेस, तो मैं n वर्टिसेस एक बार बना करके देखता हूं कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी बहुत सारी हो जाएंगी, ऐसी बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मेरे पास क्या हो जाएंगी, वर्टिसेस हो जाएंगी। मैं बोल रहा हूं मुझे मिनिमम बात करनी है ना, मिनिमम बात करनी है और कनेक्टेड भी रखना है, तो मैं हमेशा ये सोचूंगा कि जो भी मैं एज लेकर के आ रहा हूं ना, जो भी मैं एज लेकर के आ रहा हूं वो इस तरीके से बनाऊं कि जो मेरी बाकी की अलग 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 वर्टिसेस है वो कनेक्ट होती जाए, जो बाकी की बची हुई वर्टिसेस है वो सब की सब कनेक्ट होती जाए। जैसे कि अगर मेरे को एक एज ड्रॉ करना है तो हमेशा मैं दो नई वर्टिसेस को कनेक्ट करने की सोचूंगा। फिर से अगर कोई मेरे को एक एज बनाना था, मैंने इनको कनेक्ट करने का सोचा। फिर से अगर मेरे को कोई एज बनाना था तो मैं इनको सोचूंगा क्या ड्रॉ करने के लिए, इनको सोचूंगा क्या कनेक्ट करने के लिए, नहीं मैं नहीं सोचूंगा। क्यों? मुझे ग्राफ कनेक्टेड बनाना है और मिनिमम एज की भी बात करनी है, तो सबसे पहले मैं हमेशा ये सोचूंगा कि मेरी जो बाकी बची हुई हवा में जो घूम रही है, हवा में जो आइसोलेटेड, कल आराम से देखेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है, जो बाकी की हवा में वर्टिसेस घूम रही है वो कनेक्ट हो जाए बस। तो आपने बोला अभी जब एज ऐड करूंगा तो मैं इनके बीच में ऐड करूंगा, इसके बीच में ऐड करूंगा, इसके बीच में ऐड करूंगा, इसके बीच में ऐड करूंगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जस्ट टेल मी एवरीवन, जस्ट टेल मी एवरीवन, यहां तक चीज क्लियर है? यहां तक चीज क्लियर है कि मैंने किस किस तरीके से ड्रॉ किया, मैंने किस किस तरीके से ड्रॉ किया? जस्ट टेल मी एवरीवन, जस्ट टेल मी। तो जिससे भी आपने शुरू किया, जिससे भी आपने शुरू किया उसको छोड़ करके आप हमेशा जब भी किसी वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे हो आप हमेशा एक एज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यस और नो? एक इंट्यूटिव अप्रोच समझो, इंट्यूटिव अप्रोच। मैंने क्या बोला, जिस भी एज, कोई भी एज हो, कोई भी, जिस भी एज से आप शुरू कर रहे हो उस एज को छोड़, सॉरी, जिस उस वर्टेक्स को छोड़ करके जब भी आप एक नई एज लेकर के आ रहे हो तो आप एक नई वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे हो। तो आपके पास कितनी टोटल वर्टेक्स आपको इस कनेक्टेड ग्राफ में ऐड करनी है जिससे शुरू कर रहे हो, उसके अलावा n माइनस वन, तो आप n माइनस वन एजेस लेकर के आ रहे हो, n माइनस वन एजेस लेकर के आ रहे हो, इंट्यूटिव अप्रोच की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है? बताते हैं बड़ी, डोंट वरी, डोंट वरी, प्रवीण बता रहा हूं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, खुद से सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, कभी कभी मैं भी फंबल मार जाता हूं तो इश्यू हो जाता है, बट दैट्स फाइन, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, आपके पास n वर्टिसेस है, n वर्टिसेस है, मैंने ड्रॉ करके दिखाया हर एक एज में, एक बार इंट्यूशन से समझना, बेसिक से, ये मत सोचो कि कुछ हाई फाई पढ़ रहे हो आप, नहीं, सिंपल सी चीज़ें पढ़ रहे हो। मैंने बोला आपको कनेक्टेड बनाना है, मिनिमम एजेस जोड़नी है, तो क्या करोगे कोशिश कि हमेशा जो भी एक एक्स्ट्रा एज बच, जो भी एक एक्स्ट्रा वर्टेक्स बच रही है उसको कनेक्ट करते जाओगे। आप ऐसा नहीं करोगे, अगर मैं इनको हटा दूँ सभी को, फिर से एक बार जोड़ करके दिखाता हूँ, अलग बनेगा ग्राफ, बट दैट्स फाइन। मैंने क्या कोशिश की, देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, किन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, हाँ, मैं हमेशा क्या कोशिश करूंगा जब भी मुझे मिनिमम एजेस जोड़नी है कि कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो, इसको मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं कि मैं इससे शुरू कर रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए इस वाली वर्टेक्स से शुरू करता हूं, ठीक है। तो मुझे कोशिश करनी है कि मिनिमम एज रहे और कनेक्टेड रहे, तो कनेक्टेड के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी मेरी वर्टेक्स हवा में घूम रही है, हवा में मतलब कि इनमें से कोई भी वर्टेक्स कनेक्टेड नहीं है, कोई भी कनेक्टेड नहीं है, इन सबको जोड़ना है। तो हमेशा हर एज के साथ आप कोशिश करोगे कि एक नई वर्टेक्स मेरे साथ जुड़ जाए, रेदर देन जो ऑलरेडी कंजिस्टिंग मेरा ग्राफ है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एज जोड़ू। जैसे कि इससे शुरू करूंगा तो मैंने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास एक चॉइस है नई एज लाने की, तो मैं इन दोनों के बीच में नहीं जोड़ सकता था क्या? जोड़ सकता था, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को मिनिमम एज चाहिए और मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरा ग्राफ कनेक्टेड रहे। तो मेरे लिए आपस में एज जोड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी बची हुई वर्टेक्स जो है उसको जोड़ूं मैं। तो आपने इसको कनेक्ट किया, ऐसे ही यहां पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। आप हर बार बस ये कोशिश करोगे कि जो भी बची हुई वर्टेक्स है बस वो कनेक्ट हो जाए, दैट्स इट। जैसे ही सारी कनेक्ट हो गई काम डन हो गया। अप्रोच तो थी ये, अप्रोच तो थी ये। और अगर मैं बात करूं काउंटिंग की, काउंटिंग की अगर बात करूं कि n माइनस वन आंसर कैसे आया, देखो n माइनस वन आंसर कैसे आएगा फिर से देखते हैं अच्छे से। इससे शुरू किया था, इससे शुरू किया था, तो मैंने बोला
इससे शुरू करने के बाद आप जब भी एक वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे हो ना, आप एक एज लेकर के आ रहे हो। इससे शुरू करने के बाद आपको कितनी वर्टेक्स से जुड़ना है खुद से बताइए। ये एक वर्टेक्स है, टोटल एन वर्टेसेस है, आपको कितनी नई वर्टेसेस से जुड़ना है? एन माइनस वन से जुड़ना है। सो वी हैड एन माइनस वन, जैसे कि यहां से इसको जोड़ा, हर एक एज के साथ एक नई मेरी वर्टेक्स जुड़ती जा रही है। यस और नो? तो जितनी मैं वर्टेक्स को जोड़ूंगा उतनी मेरी टोटल नंबर ऑफ एजेस आ जाएगी। यस और नो? थोड़ा इंट्यूटिव अप्रोच समझ में आया? यस और नो? जल्दी से बताएंगे एक बार, अभी क्लियर हुआ? यस और नो? बिल्कुल बनेंगे शाकिब, क्यों नहीं बनेंगे? देखो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, बड़ी ये नहीं है कि भाई हम मतलब आपको पढ़ा दिया आपने प्रैक्टिस नहीं की तो इशू रहेगा, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आराम से चीजों को करते हो तो डन होगा, ठीक है? क्लियर है प्रवीण जी? एक बार बताइए मुझे, क्लियर हुआ? प्रवीण जी एक बार बताइए मुझे, क्लियर हुआ क्या आपका? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, नो इशू नहीं। क्या इशू है आप एक बार लिख दीजिए मेरे को, एक बार क्या एग्जैक्ट इशू आप एक बार मेरे को लिख दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा फिर से, ठीक है? एग्जैक्टली कहां इशू आ रहा है आप एक बार मेरे को बताइए, ठीक है? एक बार जल्दी से लिख दीजिए, खुद से सोचिए और सोचने की कोशिश करनी है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? सोचने की कोशिश करनी है जो मैं बोल रहा हूं, क्लियर होगा? हाँ, आपको कविंदर सर दिख गए लगता है स्क्रीन में, वो बोल रहे कविंदर सर की क्लास है। चलिए देखो एक बार और रिपीट करता हूं प्रवीण, ठीक है? हम टू बी श्योर वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम कम है, कविंदर सर आ चुके, उनकी भी क्लास है, ठीक है? इसके बारे में एक बार फिर से बात कर देता हूं, ठीक है? आपको ये क्लियर हो गया क्या कि जो मैंने एज जोड़ी थी काउंटिंग में इशू है? प्रवीण जी मेरे को ये बताइएगा कि काउंटिंग में इशू है या जो मैंने ग्राफ जोड़ा उसमें इशू है? दोनों में से एक चीज बताइए कि काउंटिंग में इशू है कि सर आपने एन माइनस वन एज कैसे बोल दिया, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, या फिर ये इशू है कि सर ये आपने कनेक्ट कैसे किया है? दोनों में से एक चीज, या दोनों का दोना, ठीक है? ठीक है, अभी इन चीजों में डिफरेंस है, ठीक है? मिनिमम एज जब मैं बोल रहा हूं कि मेरा ग्राफ कनेक्टेड है, और इस चीज में भी डिफरेंस है अगर मैं बोलता हूं कि श्योर होना चाहिए कि पक्का पक्का ग्राफ कनेक्टेड है, ठीक है? काउंटिंग में यस और नो? प्रवीण काउंटिंग में इशू है या एज में भी इशू है कि मैंने एज कैसे कनेक्ट करी? ओके, काउंटिंग में। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको चीज समझ में आ गई कि मैंने जोड़ा कैसे था, अगर आपको चीज क्लियर हो गई थी कि मैंने जोड़ा कैसे था, तो ठीक है काउंटिंग में आपको बताता हूं, ठीक है? आप ना कोई भी एक वर्टेक्स से शुरू करो, लेट्स से इसको छोड़ देते हैं, अभी तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं, इसी में तीसरा एग्जांपल देखो कितने तरीके से हम एक ही क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है? इसको हटा दिया। अभी मैं बात करता हूं, सपोज इससे बात करता हूं, ठीक है, कि मैं इससे मेरी एजेस ड्रॉ करना चाहता हूं, इससे मैं अपनी एजेस ड्रॉ करना चाहता हूं। वट आई विल मेक श्योर कि मेरे को यह कोशिश करनी है कि हर बार जो भी मैं एज लेके आ रहा हूं ना, उससे मैं बाकी की कोई भी वर्टेक्स को जोड़ सकूं जो पहले से कनेक्टेड नहीं है। अभी क्लियर होगा? आई गेस मैं क्या बोलूंगा, जो भी मैं एज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उससे मुझे ये मेक श्योर करना है कि जो पहले से कनेक्टेड वर्टेक्स नहीं है वो कनेक्ट हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो भाई क्या बोला मैंने, इससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, कितनी एज आ गई आपकी, आपने कितनी वर्टेक्स को कनेक्ट किया, अभी वन को कनेक्ट किया, एज कितनी आई आप मेरे को बताइए, बताते जाइएगा कितने वर्टेक्स को कनेक्ट किया और एज कितनी आई, बताते जाइएगा। यस और नो? नंबर से समझ में आएगा वो मैं समझ सकता हूं, बट एक बार ये इंट्यूटिव अप्रोच भी देख रहे हैं, इंट्यूटिव अप्रोच अपनाना जरूरी है ताकि आपको चीजें क्लियर हो। एक बार बताइए मेरे को प्रवीण, इतना क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला, हर बार आपको एज में जब भी लेके आ रहे हो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो पहले से डिसकनेक्टेड था उसे कनेक्टेड करना है, ठीक है? कहने का मतलब है कोई भी अगर ऐसी वर्टेक्स थी जो कनेक्टेड नहीं थी उसे कनेक्ट करना है, दैट्स इट। यस यस केतन, इसीलिए हम पैरेलल और उसकी बात नहीं कर ले, पैरेलल और सेल्फ की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। प्रवीण इतना क्लियर है कि मैंने क्या किया, इस एज को जोड़ा तो मैंने एक वर्टेक्स को कनेक्ट किया और नंबर ऑफ एजेस मेरी कितनी आई, एक। अच्छा अब मैं एक और जोड़ने की कोशिश करूंगा जो पहले से कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने इसको जोड़ा
तो कितनी आपने वर्टेक्स को जोड़ा, दो को, और एज कितनी हो गई, दो। फिर से कोशिश करता हूं कि ये कनेक्टेड था क्या, ये नहीं है कनेक्टेड, ये इन दोनों को जोड़ू क्या, आप यहां पर मेरे को बताएंगे, ये दोनों को जोड़ू क्या, नहीं यार ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, देखो पाथ ये रहा, ऐसे जा सकते हैं हम, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला जो कि कनेक्टेड नहीं है वर्टेक्स उसको जोड़ना है, तो मैंने इसको जोड़ा। आपने कितनी वर्टेक्स को एक्स्ट्रा जोड़ दिया, अभी तीन वर्टेक्स को आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, और कितनी आ गई, तीन आ गई। यस और नो, यस और नो। अब देखो फिर से, अब आप एक और किसको पिक करोगे, इसको जोड़ू, इसको जोड़ू, किसको, किसी को भी जोड़ लेते हैं। सपोज मैंने इससे जोड़ा इसको, आपने एक और नई वर्टेक्स को कनेक्ट कर दिया, और उसके लिए आप एक और नई एज इंट्रोड्यूस की। यस और नो, जस्ट टेल मी प्रवीण, इज इट क्लियर। एक और देखो, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि अब यहां से बात कर लेते हैं, यहां से कि भाई इसको मैंने इससे कनेक्ट किया, एक और नई वर्टेक्स कनेक्ट हुई और एक नई एज आई उसके लिए। ऐसे ही आप करते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप जिस जिस नई नई वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे हो, उस हर एक वर्टेक्स के लिए एक एज का काउंट आ जाएगा, उस हर एक एज का काउंट आ जाएगा। यस और नो, क्लियर है, जस्ट टेल मी। कल का टाइमिंग सेम रहेगा एंड आई विल मेक श्योर कि कल सेम इशू ना रहे, जैसे आज बहुत सारे पावर इशू थे, आज हमारा टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए जाना पड़ेगा, सर जी वेट कर रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं हमारे। जस्ट टेल मी, यहां तक चीजें क्लियर है, एन माइनस वन इज गोइंग टू बी योर आंसर। जिसको भी डाउट है, बाकी अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है, यू कैन मैसेज मी पर्सनली, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक अप्रोच कि किस तरीके से आप मिनिमम की बात करते हो, ठीक है। इसी को आप नंबर लेकर के करोगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इंट्यूटिव, हम अपना नंबर बता देता हूं, 9667812334, 9667812334, ठीक है। एक बार लाइव ऐप की चैट में डाल दीजिए, दिखेगा क्या किसी को, मेरा लिखा हुआ दिखेगा सबको, हाँ तो यहां पे डाल दीजिए 9667812334। हाँ तो डाल दिया भाई हमने अपना नंबर, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी इशू होता है, ठीक है। YouTube पे भी अगर आपको भी कोई इशू है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, ठीक है। कुछ भी चीजें अगर आपको कुछ भी लगता हो, ठीक है, यू कैन मैसेज मी, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये ना कुछ अलग तरीके से हम सीख रहे थे, यही फायदा स्मार्ट कोर्स का, थोड़ा सा अलग तरीके से जाना, इमेजिन करना कि किस किस तरीके से हम चीजों को सोच सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए तो अभी हम क्लास एंड करते हैं और कल मिलेंगे हम 7 बजे ही, 7 से 10 रहेगा कल, पक्का पक्का, ठीक है। एंड विल मेक श्योर कि भाई आगे ये इशू ना रहे, जो भी आज इशू रहे, आज बहुत लेट क्लास शुरू हुई और बीच में कितनी बार बंद हुई स्क्रीन, ठीक है। नंबर मैंने दे दिया है 9667812334, शो हो रहा होगा आपके चैट बॉक्स में, ठीक है, दोनों पे डाल दीजिए, ठीक है। सो गुड डे गाइस, मिलते हैं हम कल के मॉर्निंग सेशन में, ठीक है। आज थोड़ा सा स्लो चला, देयर वाज अ रीजन, आई गेस आप समझ सकते हो, थोड़ा स्लो चलेंगे स्टार्टिंग में, जब इशू आ रहे हो तो कनेक्टेड रहता है थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम सेम टाइम पे, अभी के लिए गुड डे गाइस, टेक केयर।